ईद कुर्बान पर शहरी बस्तियार खोरी से बास न आई। हजारों शहरी गैस्ट्रो और मेदे के अमराज में मुब्तला रहे। 3 रोज में शहर के 6 बड़े सरकारी हस्पतालों में 7,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। मजीद तफसील जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौरी ईद उल अज़हा पर बस्यार खोरी से बाज ना आए और ईद उल अज़हा के 3 दिनों में शहर के अंदर हज़ारों की तादाद में जो मरीज़ थे वो पेट दर्द के साथ, डायरिया के साथ, गैस्ट्रों की मुख्तलिफ बीमारियों के साथ हस्पतालों की एमरजेंसी का उनकी जानिब से रुख किया गया और हस्पतालों की एमरजेंसी पर भी बोझ बढ़ा। इस वक्त जो सर्वे है इसके मुताबिक 3 रोज़ में शहर के जो 6 बड़े सरकारी हस्पताल हैं यहाँ पर तकरीबन 7,000 से ज़ायद जो मरीज़ थे ये गैस्ट्रो, मेदे और पेट दर्द के साथ रिपोर्ट हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मरीज़ थे वो म्यों हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए जो कि 1600 से ज़ायद थे, जबकि इसी तरह सर्विस हस्पताल में तकरीबन 1100 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए, जिनमें तकरीबन 250 से ज़ायद छोटे बच्चे भी शामिल थे। इसी तरह तकरीबन जिना हस्पताल में 800 से ज़ायद, जबकि जनरल हस्पताल में 600 से ज़ायद, जबकि गंगाराम हस्पताल और मियाँ मुंशी हॉस्पिटल में भी 500 से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हुए, जबकि इसके साथ साथ सैकड़ों मरीज़ ऐसे भी थे जिन्होंने मेडिकल स्टोरों का रुख किया और सेल्फ मेडिकेशन भी ली, जबकि हज़ारों की तादाद में मरीज़ ऐसे भी थे जिन्होंने निजी हस्पतालों का रुख किया। इस हवाले से जो तिब्बी माहरीन हैं इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि शहरियों को चाहिए कि गर्म मौसम है, गोश्त इतदाल के साथ खाएँ। जो बीमार अफराद हैं जो कि गुर्दों की बीमारियों में, मेदे की बीमारियों में, यूरिक एसिड और हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हैं उनको चाहिए कि 70 ग्राम से ज़्यादा एक गोश्त ना खाएं, जबकि जो सेहतमंद अफराद हैं उनको भी चाहिए कि 100 ग्राम से ज़्यादा गोश्त ना खाएं, जबकि इसके साथ साथ सब्जियों का, फलों का, दही का इस्तेमाल करें ताकि गर्म मौसम के अंदर बआसानी गोश्त को हज़म किया जा सके।